आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं अमित शाह ने सोमवार को सपा, कांग्रेस और बसपा पर जमकर हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि योगी की सरकार में माफियाओं को चुन चुन कर समाप्त किया गया। मुख्तार आजम जैसे लोग साइकिल की सवारी कर रहे हैं। भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा बसपा सपा के 15 सालों से गरीबों के कोई काम नहीं होता। अखिलेश जी की आंख पर जो चश्मा है उसमें एक आंख के चश्मे में एक जाति है। आप लोग आते हो क्या उसमें? आते हो? और दूसरी आंख में एक धर्म है उसमें आप आते हो क्या? आते हो क्या? तो आपके लिए वहां कोई स्थान नहीं है। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विकास। प्यारे भाइयों बहनों, मुझे बताओ ये कश्मीर जो है वो भारत का है या नहीं? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? 70 साल से एक कांग्रेस, सपा, बसपा धारा 370 को बच्चे की तरह गोदी में पाल कर बैठी थी। मोदी जी को दूसरी बार आपने प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। जैसे जैसे छठा चरण नजदीक आता जा रहा है, सभी राजनीतिक दल पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए झोंक रही हैं। वहीं सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अंबेडकर नगर टांडा विधानसभा के प्रत्याशी कपिल देव वर्मा के पक्ष में जनता से वोट मांगते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एक कमल का बटन दबाने से गरीब को पक्का मकान दिलाने का रास्ता साफ हो जाएगा और साइकिल का बटन दबाने से जिन गुंडों को हमने 5 साल में जेल भेजने का काम किया है वो फिर निकलकर अराजकता फैलाएंगे। विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। छठे चरण का चुनाव होना है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर में 3 अलग अलग विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर महंगाई के मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा और कहा कि डबल इंजन की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार का दोगुना विकास हुआ है। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो पेट्रोल की कीमत 200 रुपए के पार हो जाएगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनपद में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पिछले 1 सप्ताह से कैंप लगाए हुए हैं और इस दौरान उन्होंने जनपद के तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना की। संजीव बालियान ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और यही का रहने वाला भी हूं। क्या समाजवादी पार्टी मुझे अपने प्रदेश से बाहर निकलवा पाएगी? ये समाजवादी पार्टी में हार की बौखलाहट है। उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, यही का रहने वाला हूं, क्या समाजवादी पार्टी मुझे अपने प्रदेश से भी बाहर निकलवाएगी? ऐसी बौखलाहट किस लिए? भाई उनके भी नेता चुनाव प्रचार में आते हैं, हमारे भी नेता चुनाव पर। कल अगर अखिलेश यादव आते हैं तो क्या मांग करें? अखिलेश यादव को गाजीपुर में ना घुसने दिया जाए? तो ये तो बौखलाहट है कि हार की बौखलाहट है, आप ये कह सकते। महादेव की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि मंगलवार को श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। कब विभूतिनाथ मंदिर सहित जिले भर के शिवालयों में शिव भक्तों द्वारा जलाभिषेक किया गया है। वहीं शिव भक्तों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश डीएम नेहा प्रकाश ने दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिले में 30 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।
देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं औरैया जिले की सीमा पर यमुना किनारे बने प्राचीन देवकली मंदिर पर शिवरात्रि के पर्व पर मंगलवार की सुबह से ही भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और महाआरती में शामिल हुए। यहाँ की क्या मान्यता है जो मतलब भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं? यहाँ भोलेनाथ शिवरात्रि के दिन हर साल एक जौ के बराबर पड़ते हैं और जिसकी जो भी मनोकामना हो अपनी यहाँ मांगता है उसकी पूरी होती है। अच्छा, यहाँ पे लगभग कितनी भीड़ होती है, कितने लोगों की? यहाँ पे लगभग 50,000 लोगों की भीड़ होती है। ये देवकली मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिले का, हाथवास जिले का माना जाता है। आज शिवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं सिद्धार्थनगर तहसील डुमरियागंज के अंतर्गत ग्राम डोमसरा में बाबा डोमेश्वर नाथ का एक ऐसा शिवलिंग है जिसके विषय में कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मन्नत मांगता है उसे मनवांछित फल मिल जाता है। बता दें कि ये शिवलिंग खुले में बरगद के पेड़ के नीचे स्थित है, जहां सुबह से लंबी लंबी कतारों में शिव भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां पर आज महाशिवरात्रि के दिन बूढ़ेनाथ शिव मंदिर पर भक्तों का सैलाब देखने को मिला। वहीं भक्तों ने बड़ी श्रद्धा भाव से बेलपत्र, फूलमाला, भांग, धतूरे से देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की। बता दें कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव की पूजा को सबसे कठिन और फलदायी माना जाता है। स्थानीय भक्तों ने बताया, जिस तरह बनारस में काशी विश्वनाथ स्थापित है उसी तरह सैदपुर नगर में बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर में स्थापित है। गाजियाबाद में शिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके तहत प्रसिद्ध भगवान दूधेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लग गई है और सभी भक्तों ने भोलेनाथ पर जलाभिषेक शुरू कर दिया। सभी भक्त भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए और अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल के अलावा मंदिर समिति के कार्यकर्ता भी व्यवस्था बनाए रखने में लगे हुए हैं। रात से इतना भयंकर तरीके से अभी पूरा एक तरह से इतना भीड़ है कि हमने आज से मान लीजिए कि जब सामान्य स्थिति थी तब हम लोग देखते थे उससे भी ज़्यादा लोगों ने अभी कम से कम 4 से 5 लाख और रात तक जो है 8 से 9 लाख 10 लाख तक भी लोग पहुंच सकते हैं, तो बहुत भारी संख्या में पूरे देश से लोग आके आ रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां इकोना और गिलौला इलाके के रहने वाले 4 मेडिकल के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आपको बता दें यूक्रेन में हालात धीरे धीरे बदतर होते जा रहे हैं, ऐसे में छात्रों का कहना है कि अगर जल्द ही उनको अपने देश नहीं भेजा गया तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। हमारे बच्चे को, जितने बच्चे इकोना श्रावस्ती जनपद के हैं उनको प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर गुजारिश की उनको तत्काल बुलवाया जाए सुनिश्चित। आप बातचीत होती है, हल्का हल्का बातचीत होती है मगर पूरी बराबर बात हो नहीं होती है। हम लोग बहुत परेशान हुए, बहुत परेशान, खाना नहीं खाए, 3 दिन हो गया खाना नहीं खाए। हमारे बच्चे तहखाने में छुपे हुए, बहुत परेशान हुए। बच्चा भी हमारा वहाँ पे रो रहा है और कह रहा है कि पापा हमको बुलवा ले यहाँ से, बालक कोई सूरत हमको बुलवा लीजिए, हमारा बच्चा घर पर आ जाए सुरक्षित रहे। सब परेशान हैं बहुत, हमारा बच्चा घरे आवे जल्दी सरकार पठाई दिए। कहा था कि सुरक्षित हन, हमें सबका व्यवस्था किया है रहे वाला, और हन हम सभी कोनो मेर के खाई थे जीत है हन, आराम से हन कोनो मौका लागी तब पठवाई। अरे बच्चे से बातचीत होती है वहाँ के, ये एम्बेसी वाले कह रहे हैं कि हम जैसे हो सकेगा व्यवस्था आपको देंगे, जैसे निकलने लायक हुआ निकालेंगे, नहीं हम लोग यहाँ परेशान हैं कि बच्चों को किसी तरह से हम सरकार से यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ कोई व्यवस्था करके उसको हमारे बच्चे हमारे यहाँ तक पहुँचाया जाए, हमारे यही सरकार से गुजारिश है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत मिली है। गाजीपुर के MP MLA कोर्ट के द्वारा मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज शस्त्र लाइसेंस के मामले में 50,000 के मुचलके पर जमानत मिली है, लेकिन अभी वो जेल से बाहर
आएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि मुख्तार अंसारी पर अभी कई अन्य मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि धारा 21-25 आर्म्स एक्ट का मामला है जो मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज था। पुलिस ने ये आरोप लगाया है कि ये मुख्तार अंसारी जो है एक राइफल जिसका नंबर है 39-47-61 1207 P सेकंड लाइसेंस नंबर है, दूसरा DVBL गन है जो कि 1253 P सेकंड और DVBL गन नंबर 11356 है जो कि मुख्तार अंसारी के नाम से है और वो अपने पास रखे हुए हैं। जबकि आप लोगों को पता है कि 25-10-2005 से वो जेल में है, 16 वर्षों से वो जेल में है, तो उनके ऊपर ये आरोप लगा करके ये एक FIR 9/4/2021 को यहाँ मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज किया गया 9/4/21। अब आपको सबसे बड़ी बात हम ये बताना चाहते हैं कि जो DVBL गन नंबर दिया गया है 11356 उसी के बाबत चार्जशीट विवेचक ने लगाया है, केवल एक DVBL गन के बाबत 11356 और लाइसेंस नंबर है 1253 P सेकंड। इस 11356 के बाबत एक FIR 1990 में खंडाधिकारी CBCID वाराणसी अशफाक अहमद के द्वारा 1990 में ये कराया गया था कि क्या कहते हैं ये 4/12/1990 ये इसी DVBL गन के बाबत दर्ज कराया गया था और उसमें चार्जशीट भी आ गई 11356 जो DVBL गन है उसमें जो है जमानत हो गई, मुख्तार अंसारी की जमानत भी 20/4/2015 को स्वीकार हो गई वाराणसी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय से। फिर उसी गन नंबर 11356 के बाबत यह दोबारा FIR जो है यहाँ पर पंजीकृत करा दिया गया मोहम्मदाबाद थाने में, गन नंबर वही है, लाइसेंस नंबर भी वही है और फिर दोबारा FIR दर्ज करा दिया गया जिसके बाबत जो है मतलब कि आज अलीगढ़ में गैस एजेंसी संचालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि टप्पल स्थित इंडियन गैस एजेंसी संचालक द्वारा बिना लीकेज चेक किए गए सिलेंडर वितरण किए जा रहे थे जिससे एक व्यक्ति अपने घरेलू उपयोग के लिए एजेंसी से सिलेंडर लेकर जब अपने घर पहुंचा तो उसने सिलेंडर रेगुलेटर में लगाकर जैसे ही चालू किया तो उसमें लीकेज के कारण अचानक भीषण आग लग गई जिससे घर में रखा कीमती सामान और व्यक्ति आग में बुरी तरह झुलस गया। पड़ोसियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। वहीं पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि वो एजेंसी संचालक के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप में कानूनी कार्रवाई करेगा। मामला ये अभी लेके आए थे हम, सिलेंडर लाके यहाँ पे लगाया, वो रेगुलेटर सेट किया नहीं, जब भी वो एक संग माचिस जलाई तुरंत ऊपर एक हाथ में ही माचिस थी तेरे तो आग पकड़ ली उसने। क्या ये चेक करके दिया था आपने? नहीं, कोई चेक करके नहीं दिया, वेट किया था, वेट करके दे दिया। तुरंत देखने के मौके पहुंचे हुए तो फिर क्या हुआ वहां पर? क्या बताया? लीकेज बताया था, लीकेज हुआ है। फिर आपकी तरफ से क्या चेक होता है? हाँ, लीकेज चेक होता है। लीकेज डायरेक्टर क्या क्या चेक करते हैं आप? लीकेज डायरेक्टर चेक करते मशीन आती, लीकेज डायरेक्टर आते थे PDF में। अच्छा, PDC। उसके बाद आपका जो कर्तव्य क्या क्या है सर? उसके बाद लीकेज चेक करना होता है, लीकेज चेक करने के बाद किचन में लगाना, वेट करना, वेट करके देना। अलीगढ़ जनपद स्मार्ट सिटी के वार्ड नंबर 36 अनूना हाउस में क्षेत्रीय लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। दरअसल वार्ड 36 में पानी की पाइपलाइन में नाली का पानी जा रहा है जिससे बदबू भी आ रही है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस समस्या से वो पिछले एक साल से जूझ रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि इस संबंध में नगर निगम को कई बार अवगत कराया गया है लेकिन अभी तक अधिकारियों ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। कांग्रेस नेता ने नगर निगम को अल्टीमेटम देकर जल्द ही पानी सप्लाई को सही कराए जाने की मांग कही है। अगर जनता की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जल निगम कार्यालय में ताला लगा देंगे, इस बात को भी कहा है। देखिए, अनाना हाउस में लोगों की शिकायत काफी पुरानी है। लोग बता रहे हैं कि 1-1.5 साल हो रहा है यहाँ पानी गंदा आ रहा है। अब ये बीते 3 माह में
ये कचड़ा जैसा पानी आ रहा है और नाकारा नगर निगम मस्त है और ये सरकार ये मूलभूत सुविधाएं तक देने से वंचित कर रही है जनता को। यहाँ के लोगों को ये मल मूत्र से भी बदतर पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये पूरे अनाना हाउस में मैंने कई घरों में जाकर ये बात देखी कि कई घरों में पानी की समस्या, ये कीचड़ जैसा पानी आ रहा है और इन लोगों का ये बताना कि ये लोग नगर निगम में शिकायत कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसके नगर निगम इसका निस्तारण नहीं कर रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जनता के स्वास्थ्य के अधिकार के साथ ऐसा घोर उल्लंघन होता रहेगा। पानी की समस्या को लेकर यह है कि एक साल से हम लोग इतना परेशान है, इतना गंदा पानी आ रहा है जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत हो रहा है। रोज आना जो है ना गंदा पानी देख देख के तो हम लोग के जी मालिश हो गए। कब से गंदा पानी? एक साल हो रहा है गंदा पानी को आते हुए। कौन सी जगह पर? ये अनोना हाउस सीमा फाटक कचहरी रोड जो है। इसकी शिकायत आपने करी? मैंने शिकायत कई बार कही, मेरी एप्लीकेशन भी गई हुई है वहाँ। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं निकला इसका? तो इसी पानी पी रहे हैं आप लोग? जब से पानी पी क्या रहे, बाजार से मंगानी पड़नी है हमें केने। अच्छा, पानी कैसे पी सकते जब इतना गंदा पानी है तो कैसे पी लेंगे? जब से कोई अधिकारी कोई देखने नहीं आया, ना कोई अधिकारी आता है ना कोई वो आता है, क्या करें, मजबूरी है। के पार्षद से आपने शिकायत की? हाँ, पार्षद से भी शिकायत करी इमरान से, वो भी नहीं सुनते। खबर फरीदाबाद से है जहां राज्य सतर्कता ब्यूरो ने सोमवार को रिश्वत मांगने के आरोप में नापतौल विभाग के इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी लाइसेंस नवीनीकरण के नाम पर पैसे की मांग कर रहा था। डीसीपी अनिल कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता मनोरम ने सतर्कता विभाग को शिकायत में बताया है कि वो ऑटो में लगने वाले मीटर बनाते हैं और इसकी एवज में बीते वर्ष NIT 5 स्थित माप अनुभाग खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग कार्यालय में तैनात इंस्पेक्टर राजबीर सिंह से लाइसेंस बनवाया था। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के कारखाना बाग कंपनी के बॉयलर फटने से सनसनी फैल गई। वहीं इस घटना में काम कर रहे एक मजदूर को काफी गंभीर चोट आई है, जिसे फरीदाबाद से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लेकर गए और रेफर कराया गया है, जहां घायल का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जाँच कर रही है और मामले में जुट गई है। बॉयलर एक भट्टी है जिसमें एग्जॉस्ट की मोटर गर्म करते हैं, वो काम करते समय ज़्यादा हीट होने से किस कारण तकनीकी खराबी कारण वो फट गई। उसमें एक मजदूर जो इंजर्ड हुआ वो सफदरजंग में एडमिट है। ये कंपनी पट्टी कहाँ पर है, इस कंपनी में बनता क्या है? ये कारखाना भाग में कंपनी है ओल्ड फरीदाबाद में, और इसमें एग्जॉस्ट की मोटर बनती है। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस मौके पर देख रही है, अभी इंजर्ड के बयान लेगी, आगे कार्रवाई करेंगे। खबर अलीगढ़ से है जहां पे दो दिन से लापता व्यक्ति का बोरे में बंद लहा के खेत में शव पड़ा मिला। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि पूरा मामला गभाना थाना क्षेत्र के देवपुर गांव का है। डेड बॉडी मिली थी जिसकी शिनाख्त रणधीर सिंह पुत्र सिंह देवी सिंह निवासी देवपुरा थाना गबाना के रूप में हुई है, और इसमें जानकारी करने पर यह पता लगा है कि 26 तारीख को शाम को एक गांव में ही शादी के फंक्शन में उक्त व्यक्ति गया था, जिसके बाद से इसके परिवार इसको ढूंढ रहे थे। मौके पे पुलिस पहुंच गई है और पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, और इसमें कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है जिनको तलाशा जा रहा है। आगे मुकदमा लिख के वैधानिक कार्रवाई। यूपी के औरैया जिले में सड़क हादसा हुआ है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर जालौन चौराहे के ओवरब्रिज पर ट्रक ने डीसीएम में टक्कर मार दी, जिससे डीसीएम चालक केबिन में फंस गया। वहीं घटना की सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को बड़ी मशक्कत के बाद केबिन से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायबरेली में सड़क हादसा हो गया, जहां कोतवाली लालगंज के अंतर्गत NH 232 पर तेज रफ्तार ऑटो कार ने बाइक सवार अधेड़ को टक्कर मार दी। वहीं इलाज के दौरान अधेड़ की मौत हो गई है। बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। एक छंगा सपना नाम के व्यक्ति जो घायल अवस्था में आए थे हमारे पास, कैसे हुए थे वो, उनकी कुछ सांसें चल रही थी, बता रहे थे लोग एक्सीडेंट हुआ है कहीं बंदामऊ के पास में, तो उपचार के दौरान उनका देहांत हो गया।
उन्नाव पुलिस ने 18 फरवरी को हुए युवक की हत्या के मामले में खुलासा करते हुए तीन आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जहां पकड़े गए तीनों आरोपियों ने बताया कि मृतक के डीजे पर कब्जा करने को लेकर आपसी कहासुनी के बाद विवाद शुरू हो गया था, जिसके बाद मफलर से गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। एक मृतक का शव बरामद हुआ था, बाद में उसकी पहचान हो गई। इस संबंध में जो है थाना दही, अचलगंज और स्वाट टीम के प्रभारियों ने काफ़ी मेहनत करके इस घटना का वर्कआउट किया, जिसमें एक डीजे जो मृतक था वो डीजे चलाता था, डीजे को लेकर कहा सुनी हुई और उस डीजे को कब्जा करने के लिए इन तीन लोगों ने मिल करके उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। आज तीनों गिरफ्तार हुए हैं। मृतक का डीजे, लोडर, मोटरसाइकिल वगैरह सब बरामद हो गई है, उसका मोबाइल भी बरामद हो गया है। इस संबंध में इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।